हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जनवरी 2020 सेशन वाले, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में अपने एनरोल किया था या फिर री रजिस्ट्रेशन किया था इग्नू में, उनको अपना असाइनमेंट जो है कब सबमिट करने हैं। कब से स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि उनके जो प्रोग्राम मास्टर्स का या फिर बैचलर डिग्री का या फिर कोई और प्रोग्राम है, सो उनको असाइनमेंट सबमिट कब करने हैं, इस चीज का उनको जो है बहुत ज्यादा डाउट रहता है। सो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं सभी प्रोग्राम्स के लिए आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से पता कर सकते हैं या फिर क्या डेट है आपके असाइनमेंट सबमिट करने की। सो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में एनरोल किया था या फिर री रजिस्ट्रेशन किया था, उनके जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं, ईयर वाइज प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी जो डेट होती है वो होती है सेप्टेम्बर। यानी कि जिन जो भी कोर्सेज ऐसे प्रोग्राम्स जो है इग्नू में ऐसे है जो भी एनुअल बेस्ड है, यानी कि जिनकी ड्यूरेशन जो है एक साल होती है, जैसे कि आपका मास्टर डिग्री के हो गए या फिर आपके बीए वगैरह हो गए, इनकी डेट जो है 1 ईयर होती है। तो ये जो है ईयर एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। सो इनका जब भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, वो करना होगा आपको सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर के मंथ में। आपको बता दूं, आपकी जो है असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट भी अटेंड होती रहती है, बट आपको बता दूं, आपको जो है जो पहली फर्स्ट डेट होती है वो यही होती है कि आपको सेप्टेम्बर अक्टूबर के मंथ में जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अभी प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि उसकी लास्ट डेट क्या है, सितंबर या फिर अक्टूबर है, बट आपको बता दूं, आपको सितंबर या अक्टूबर में ही अपने जो है सारे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। ये जो होती है आपकी डेट होती है जो भी एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में सेशन में एडमिशन लिया था। अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर बेस, यानी कि बीसी और एमसी जैसे प्रोग्राम्स है, ये जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। सो इनकी जो लास्ट डेट होती है असाइनमेंट सबमिट करने की, वो आपकी होती है मार्च, यानी कि 30 मार्च से या फिर अप्रैल तक आपको जो अपना असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। बिकॉज वो जो है 6 मंथ्स के आपके कोर्स होते हैं, यानी कि अगर आपने जनवरी 2020 में अपना एनरोल किया था, सो आपको जो है अभी जून में जो है उसके एग्जाम देने होंगे। तो अगर आपको जून में एग्जाम देने होंगे, सो आपको असाइनमेंट जो है मार्च में सबमिट करने होंगे। एंड अगर आपको दिसंबर में, यानी कि जो भी एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आपको दिसंबर में अपने एग्जाम देने हैं, तो उनके असाइनमेंट जो है आपको सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर के मंथ में जो है सबमिट करने होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम के लिए किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना है, एनुअल बेस्ड है या फिर आपको सेमेस्टर बेस्ड है। तो उसके लिए मैं आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है, webservices.ignu.ac.in, उसके बाद असाइनमेंट्स, ठीक है। सो आपको बता दूं, ये जो है असाइनमेंट्स आप इस वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो मान लीजिए आपका प्रोग्राम एमए हिस्ट्री है, यानी कि मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है। सो आपको जो है सिंपली इसका असाइनमेंट ओपन करना है, इंग्लिश वाला जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो है मैंने गलत असाइनमेंट ओपन कर लिया, देखिए 19-20 वाला मेरे को जो है ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे जो है आपका सेशन लिखा हुआ, ऊपर आप देख सकते हैं जुलाई 2019 एंड जनवरी 2020 सेशन। तो इसके मैं आपको एक बार के लिए पीछे जाके दिखाता हूँ ये वाला असाइनमेंट, और इसमें जो है मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो देखिए, ये असाइनमेंट जो है न्यू असाइनमेंट है। तो ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी जुलाई 2020 या फिर जनवरी 2021 में जो एडमिशन लेंगे, ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है। बट आपको ये वाला असाइनमेंट जो है नीचे वाला, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी जुलाई 2019 या फिर जनवरी 2020 में एनरोल किया था। सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनवरी 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो आपको जो है ये वाला असाइनमेंट जो है अपने लिए बनाना होगा। एंड इसमें जो है नीचे आप चेक करेंगे, देख सकते हैं जुलाई 2019 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट डेट थी वो थी 31 मार्च, ठीक है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में सेशन में एडमिशन लिया है, उनकी डेट है 30 सितंबर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सितंबर या अक्टूबर के मंथ में जो आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। सो कैसे पता चलेंगे आप अपने प्रोग्राम के लिए, आपको बस सिंपली जिस तरह से मैंने किया अपना असाइनमेंट जो है चेक करना है, ऊपर जो भी असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वहीं पे जो आपके लास्ट डेट लिखी होंगी। तो इसलिए जो आप अपना सिंपली यहाँ पे आइएगा, इस वाली वेबसाइट पे आप अपने प्रोग्राम खोलिएगा, प्रोग्राम चेक कीजिएगा, उसका असाइनमेंट खोलिएगा, वहीं पे जो आपकी लास्ट डेट लिखी होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एमए इकोनॉमिक्स के भी चलिए आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं एक असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे ऊपर ही लिखा है कि आपको ये असाइनमेंट किन स्टूडेंट्स के लिए है। सो ये है जिन्होंने भी जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था या फिर जिन्होंने भी जनवरी 2020 सेशन में एनरोल किया था, ये असाइनमेंट जो है उन स्टूडेंट्स के लिए। सो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ जनवरी 2020 सेशन। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, आपको यहाँ पे जो अपनी लास्ट डेट जो है देखने को मिल जाएंगी। जिन भी स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया था, उनको जो है सेप्टेम्बर में, यानी कि सेप्टेम्बर के एंड तक अपने असाइनमेंट जो है अपने सर्विस सेंटर में सबमिट करने होंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह का कुछ है। तो चलिए मैं एक बार के लिए बीसीए और एमसीए की बात कर लेता हूँ, जो कि आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो देखिए, मैं एमसीए जो है खोल लिया है, यहाँ पे जो आप फर्स्ट सेमेस्टर ओपन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि असाइनमेंट किन स्टूडेंट्स के लिए, सो जिन्होंने भी जनवरी जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था या फिर जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था, ये असाइनमेंट जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है। आप नीचे जाके चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का जनवरी
में एडमिशन था, यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जुलाई वालों के लिए देखिए ऊपर डेट लिखे है, यहाँ पे जो जनवरी वालों के लिए लिखे है। सो जनवरी वाले स्टूडेंट्स को जो अपने असाइनमेंट मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में सबमिट करने होते हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 अप्रैल जो आपकी डेट लिखी हुई है। सो ये था आपका सेमेस्टर वाला प्रोग्राम। सेमेस्टर वाले प्रोग्राम जो भी होंगे 6 मंथ के प्रोग्राम होते हैं, सो उनको जो है मार्च या अप्रैल के मंथ में ही अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, बिकॉज उनको जो है अपने एग्जाम जून में देने होते हैं। एंड जो भी एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे, जिनको भी अपने एग्जाम दिसंबर में देने होंगे, उनको जो है सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में जो अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आप बस एक चीज को याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम दिसंबर में है तो आपको जो है अपने असाइनमेंट सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। अगर आपको एग्जाम जून में देने हैं तो आपको अपने असाइनमेंट जो है मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में जो है सबमिट करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिंपली आपको जो है बस ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है जहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक और ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बीकॉम का ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ECO1 जो है ओपन कर लेते हैं। देखिए ECO1 मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि असाइनमेंट जुलाई 2019 एंड जनवरी 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए जनवरी 2020 की आज हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है साफ साफ आपके नीचे जो है डेट लिखी हुई है कि आपको जो है अपने एग्जाम जो है दिसंबर में देने होंगे, क्योंकि आपका एनुअल बेस्ड प्रोग्राम होता है, एक ईयर की इसकी ड्यूरेशन होती है। सो आपको इसके असाइनमेंट जो है 15 सितंबर तक जो है सबमिट करने होंगे। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, थोज यू एनरोल्ड इन जनवरी 2020 वैलिड अप टू दिसंबर, यानी कि आपको दिसंबर में एग्जाम देने होंगे, सो आपको अपने असाइनमेंट जो है सेप्टेम्बर में सबमिट करने होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपने जनवरी 2020 में एनरोल किया है, आपका जो है ईयर बेस्ड यानी कि एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, आपको अपने एग्जाम अगर दिसंबर में देने हैं, तो आपको अपने असाइनमेंट जो है सितंबर या अक्टूबर के मंथ में जो है सबमिट करने होंगे। बट अगर आपका प्रोग्राम 6 मंथ्स का यानी कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है एंड आपको अपने एग्जाम जून में देने हैं, तो आपको अपने असाइनमेंट जो है मार्च या अप्रैल के मंथ में सबमिट करने होते हैं।